दोस्तों, यू वेलकम आरकेजेड थिएटर ग्रुप। आरकेज आपके लिए लगातार एक्टिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके चलता रहता है और मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आता हूँ। आज का टॉपिक आपने थंबनेल पर देख लिया, टॉपिक है व्हाट इज थिएटर एक्टिंग इन हिंदी, या थिएटर एक्टिंग क्या है, या फिर कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू थिएटर, थिएटर का इंट्रोडक्शन। देखिए, थिएटर एक्टिंग को अपना कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपने आप में बहुत कुछ है। और जो एक्टिंग करते हैं थिएटर की या थिएटर से रिलेटेड हैं, वो जानते हैं क्या है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में आपने देखा होगी, जब भी ऑडिशन होते हैं या कास्टिंग कॉल होती है, तो उसमें कहते हैं कि सबसे पहले आपका बैकग्राउंड जो है वो थिएटर से होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अहमियत को जानते हैं कि थिएटर क्या चीज़ है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा जो ये ग्रुप है वो हमेशा एक्टिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर चलता रहता है। उसमें एक्टिंग एक्सरसाइज, एक्टिंग टिप्स, मोनोलॉग्स, स्क्रिप्टिंग, एक्टिंग बुक्स और तमाम वो वीडियोस जो आपके लिए जानकारी देते हों कि आप किस तरह से एक्टिंग लाइन में आ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। चैनल यही कोशिश करता है और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वो नए नए टॉपिक्स लेकर आता हूँ। इस टॉपिक में जो मैं बात करूँ आपके साथ कि आखिर थिएटर एक्टिंग क्या है या इंट्रोडक्शन टू थिएटर, ये इसके बारे में। और यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा कि टॉपिक अबाउट एक्टिंग थिएटर कैमरा, मतलब दोनों चीज़ में बहुत डिफरेंट है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं थिएटर एक्टिंग के इंट्रोडक्शन टू थिएटर। आपको सभी को पता हो कि थिएटर इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट फ्रॉम विच कंबाइंड वर्ड्स, वॉइस, मूवमेंट्स एंड विजुअल एलिमेंट्स टू एक्सप्रेस मीनिंग। द फील्ड ऑफ थिएटर इनकम्पासेस नॉट ओनली लाइव इम्प्रोवाइज एंड स्क्रिप्टेड वर्क, बट ऑल्सो ड्रामेटिक फॉर्म्स सच एज फिल्म, टेलीविजन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दोस्तों, अगर आप न्यूज़ चैनल भी जाते हैं तो वहाँ पर भी देखा होगा आपने, कई लोग एक्टिंग थिएटर से एक्टिंग कर चुके होते हैं, कई लोग एक्टिंग का कोर्स कर रहे होते हैं, साथ में साथ शाम को पार्ट टाइम में वो एक्टिंग भी सीख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यहाँ पर मैं तीन चीज़ें आपके साथ डिफाइन करूँगा। सबसे पहली बात है थिएटर एक्टिंग को, फिर है टाइप्स ऑफ एक्टिंग, उसके बाद है थिएटर एक्टिंग के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज थिएटर एक्टिंग। एक्टिंग यानी अभिनय, एक्टिंग निष्पादन कलाओं यानी परफॉर्मिंग आर्ट का एक भाग है, हिस्सा है, पॉइंट है। आसान भाषा में एक्टिंग का अर्थ है जब कोई व्यक्ति यानी कि एक्टर किसी भी किरदार यानी करेक्टर के लिए अपने व्यक्तिगत यानी कि पर्सनैलिटी, अपनी भाषा यानी लैंग्वेज, व्यवहार यानी बिहेवियर, पहनावा यानी कॉस्ट्यूम को बदलता है तो उसे एक्टिंग कहते हैं। आसान भाषा में यही चीज़ें जब आप थिएटर एक्टिंग करेंगे या कैमरा एक्टिंग करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपकी चीज़ें जो आप थिएटर करते हैं, थिएटर में आपको सबसे पहले रिहर्सल होती है, तो वहाँ पे धीरे धीरे वो ग्राफ बनता है। जो एक एक्टर जब एक नाटक प्ले स्टेज पे करने वाला होता है, तो उससे पहले वो लगातार महीने भर तक वो अपनी रिहर्सल करता है। उसी दौरान वो एक जो करेक्टर होता है उसे जीता है, उसके पहनावे को, उसकी भाषा को, उसके रहन सहन को, उस तरह वो जीता है एक एक्टर। और अंतिम समय पर जब वो मंच पर उसे प्रेजेंट करता होता है, तब वो वैसा ही दिखता है। एक्टिंग की शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब हम अपने व्यवहार से हटकर कुछ ना करें। एक्टिंग का बेसिक मतलब शेयरिंग होता है, फिर चाहे वो डायलॉग हो, फीलिंग्स हो या साइलेंस हो। आपने देखा होगा कि कई सारे थिएटर एक्टर पर्सनैलिटीज रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अनुपम खेर साहब की, नसीरुद्दीन शाह की, इरफान साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सुशांत सिंह राजपूत वो भी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी थिएटर किया है, और रीमा लागू वो भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इन लोगों ने थिएटर अभिनय को बहुत आगे तक पहुंचाया और हिंदी सिनेमा में अपनी एक छाप छोड़ी, करेक्टराइजेशन को लेकर। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि थिएटर एक्टिंग क्या है, क्योंकि यही लोग हैं जो थिएटर बैकग्राउंड से आए हैं। और थिएटर बैकग्राउंड बहुत ही एक आपके जीने का तरीका बदल देता है थिएटर जब आप करेंगे तो। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिंग। अब एक्टिंग कितने तरह की होती है। वैसे दोस्तों, एक्टिंग तो देखी जाए
जब आप पढ़ेंगे एक्टिंग के बारे में तो आपको कई किताबें या मेथड एक्टिंग के बारे में पता जाएगा। हर किसी शख्स ने जो भी एक जिन्होंने एक्टिंग सीखी या एक्टिंग के गुरु रहे, उन्होंने बुक्स लिखी, उन्होंने एक्टिंग को लेकर एक अपना मेथड बनाया, उन्होंने तरीका जिस तरह से फॉलो करते गए, उन चीज़ों को लिखते चले गए और उसे टेक्निक बता दिया या मेथड एक्टिंग बता दिया, ये चीज़ें रही। जैसे वियोला स्पॉलिन एक्टिंग टेक्निक्स रहा, या ली स्ट्रासबर्ग मेथड एक्टिंग रहा, स्टानिस्लावस्की एक्टिंग टेक्निक रही, ये हर कोई जानता है और पढ़ाया भी जाता है। स्टेला एडलर एक्टिंग टेक्निक हो गया, या सनफोर्ड मिसनर एक्टिंग टेक्निक हो गया, या माइकल चेकोव एक्टिंग टेक्निक हो गई, प्रैक्टिकल एस्थेटिक एक्टिंग टेक्निक हो गई, या उता हैगन एक्टिंग टेक्निक हो गई। इन सभी लोगों ने अपना एक मेथड बनाया है एक्टिंग को किस तरह से जिया जाता है, किस तरह से, हर किसी का अपना एक पॉइंट व्यू रहा। और सबसे अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं या फिर किसी के मेथड एक्टिंग को ज़्यादा फॉलो करते हैं तो ज़्यादातर जो है वो स्टानिस्लावस्की का रहा, जिन्होंने अपने जो है एक्टिंग टेक्निक को एक मेथड दिया, मेथड एक्टिंग कह सकते हैं, और उन्होंने बताया किस तरह से एक अभिनय अपने करेक्टर को जीता है, किस तरह से वो उसे तैयारी करता है, किस तरह से उसका पहनाव रहन सहन, वो सब उन चीज़ में क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों थिएटर एक्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आप ड्रामे में इम्प्रूव करते हैं तो आपकी जो है बचपन में ही आप जब ये चीज़ कर लेते हैं तो आपकी जो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल आप बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। एक्टिंग इंक्रीज अ टीम वर्क मेंटलिटी, आपके टीम वर्क को ये बढ़ावा देता है। तीसरे नंबर पे है ड्रामा इम्प्रूव्स चाइल्ड कॉन्फिडेंस, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस देता है। चौथा है एक्टिंग मेक्स अ चाइल्ड मोर फिजिकली एक्टिविटी, है ना, तो ये फिजिकली एक्टिविटीज़ हैं वो। और पांच नंबर पे है परफॉर्मिंग इन प्लेज इंक्रीज मेमोराइजिंग। सिक्स नंबर पे है बीइंग इन ड्रामा और स्टेज इम्प्रूव्स प्रोफेशनलिज्म, आपको एक प्रोफेशनलिज्म का तरीका आ जाता है जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं। बेनिफिट्स देखा आपने कि पब्लिक स्पीकिंग हो जाता है, आपका टीम वर्क हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, मेमोराइजेशन होती है, और प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आ जाता है। तो थिएटर बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, ऐसी बात नहीं है, अगर आप थिएटर बैकग्राउंड से एक्टिंग सीखेंगे थिएटर से तो आपके अंदर ये चीज़ें बखूबी आएंगी। और दोस्तों अभी कई लोग पूछते हैं कि सर आप क्लास नहीं देते हैं और आप जो हैं क्या कहते हैं एक्टिंग पे वीडियोस बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन आप जो है थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाएं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए कोशिश करने वाला हूं, थोड़ा सेटअप मैं बना रहा हूं और बहुत ही जल्द आपके साथ प्रैक्टिकली उन चीज़ों को लेकर आ करूँगा, आपको डिफाइन करा करूँगा और बाकायदा वो वीडियोज़ भी या वो इमेजेस आपको दिखाया करूँगा जिनकी हेल्प से आप घर बैठ के ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब मैं हमेशा लास्ट में कहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आपका प्यार मिलता है तो मैं वीडियोस और बनाकर लेकर आता हूँ।